ट्रेन आई है अभी यहाँ पर, बांद्रा टर्मिनल से चलकर उदयपुर सिटी को जाने वाली नीवच का प्लेटफॉर्म से क्या है, एक और ट्रेन है दो नंबर पर, तीन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। मॉर्निंग बाई के 10 बज रही है और मैं आज इंदौर से 3:30 बजे निकला हूँ, स्टेशन पहुँचा हूँ। स्टेशन से 4:30 की ट्रेन पकड़ी है, ट्रेन थी जो ट्रेन हमने कैच की है वो ट्रेन थी जोधपुर, इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस सुबह सुबह निकली और उससे मैं अभी नीमच पहुँचा हूँ। नीमच है 9:15 बजे पहुँच गई, जबकि इसका निर्धारित समय है 8:45 और ये 9:15 पर नीमच पहुँची है, आधा घंटा लेट पहुँची है। तो अब नीमच स्टेशन पर आ गया हूँ। रात सुबह बहुत सर्दी थी इंदौर में, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और इस समय यहाँ भी सर्दी है। मैं भी पीछे धूप हो रही है और नीमच स्टेशन है दी जाए, नीमच स्टेशन यह है रतलाम से जो उदयपुर रेलवे लाइन है या चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन है उस सेक्शन के बीच में है। रतलाम से जो गाड़ियां मंदसौर होके भीलवाड़ा या आगे राजस्थान या दिल्ली के लिए जाती हैं, वो गाड़ियां बाया मंदसौर नीमच चित्तौड़गढ़ होते हुए दिल्ली निकल जाती हैं, कुछ गाड़ियां जोधपुर निकल जाती हैं, कुछ गाड़ियां अजमेर निकल जाती हैं, कुछ गाड़ियां उदयपुर निकल जाती हैं। तो अपन इसको मान लें उदयपुर या जोधपुर या अजमेर से रतलाम आने के लिए जो बीच में स्टेशन है वो है नीमच। नीमच से गाड़ियां बहुत सारी मिलती हैं, उदयपुर बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस है, उदयपुर इंदौर एक्सप्रेस है, आपकी इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस है, उदयपुर मंदसौर सिटी एक्सप्रेस है, नीमच आगरा एक्सप्रेस है। तो यहाँ से स्टेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पहले बहुत छोटा स्टेशन हुआ करता था, पहले तो एक ज़माने में मीटर गेज की लाइन हुआ करती थी, अब ब्रॉड गेज हो गई है और ब्रॉड गेज भी इलेक्ट्रिक हो गई है। तो ट्रेनें हर जगह की जाने लग गई हैं, एक लाइन कोटा चली जाती है चित्तौड़ होके, तो इंदौर जो गाड़ियाँ नीमच से कोटा जाती हैं और कोटा से दिल्ली रूट पर चली जाती हैं गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ दिल्ली चली जाती हैं वो यहाँ से नीमच से कोटा, कोटा से सवाई माधोपुर होते हुए दिल्ली निकल जाती है। और अभी यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है, वो आ रही है मुंबई से चलकर बांद्रा से चलकर उदयपुर जाने वाली, लगभग वो 20 मिनट लेट है, उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। तो यहाँ से मुंबई के लिए भी सीधी ट्रेनें हैं नीमच से, नीमच से लगभग 12-15 ट्रेनें हैं जो अभी हमने यहाँ पर चार्ट पर पढ़ी हैं। अभी मैं बुक कर रहा था यहाँ पर, तो जो देखी हमने ट्रेनें वो करीबन 12 से 15 सुपरफास्ट ट्रेनें हैं। एक ट्रेन हमने देखी अजमेर हैदराबाद भी है, अजमेर हैदराबाद बाया यहाँ से रतलाम भोपाल होते हुए अजमेर से चलकर हैदराबाद जाती है, यहाँ से अजमेर भोपाल एक्सप्रेस भी है, यहाँ से भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहाँ के लिए भी सीधी रेल सेवा है और वो यहाँ से सुबह सुबह है और सुबह लगभग 11 बजे के आसपास भोपाल पहुँच जाती है और वहाँ से शाम को 5 बजे चलती है, जो यहाँ पर रात में 11:30 के आसपास आती होगी, उसका हमें निर्धारित समय नहीं पता है। तो यहाँ से भोपाल जाने के लिए भी सीधी ट्रेन है, यहाँ से इंदौर जाने के लिए भी सीधी ट्रेन है, यहाँ से बांद्रा जाने के लिए भी सीधी ट्रेन है, यहाँ से हैदराबाद जाने के लिए सीधी रेल सेवा है, यहाँ से अजमेर जो राजस्थान में है वहाँ की भी सीधी रेल सेवा है, उदयपुर सिटी जो कि बहुत अच्छा शहर है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ की भी सीधी ट्रेन है, यहाँ से भीलवाड़ा इंडस्ट्री एरिया है राजस्थान का, वहाँ की भी ट्रेन है। तो यहाँ से लगभग जो इस सराउंडिंग एरिया आ रहे हैं वहाँ की सारी तरफ की ट्रेनें हैं। नीमच एक मध्य प्रदेश का शहर है और ये स्टेशन है, हम नीमच के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हैं अभी, बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा स्टेशन है। अभी एक ट्रेन आई है सामने, हम उसको भी आपको दिखाएंगे, शायद बांद्रा से चलकर उदयपुर जाने वाली ट्रेन आ गई है। और दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स सेक्शन में कॉमेंट जरूर करें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। और नीमच अगर आप कभी आते हैं इंदौर से तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है वो 4:30 बजे निकलती है और 9:45 बजे 8:45 पर नीमच आ जाती है। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं ठंड के समय में, सर्दी के समय में, तो आप उस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद शाम को है 17:40 कर, मतलब 5:40 पर उदयपुर इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस, वो यहाँ पर लगभग रात बज लगे। आपको अगर ऑफिस का वर्किंग करना है, जैसे मेरी कंपनी का आदेश था आज मेरे को नीमच आना था, तो मैं सुबह जल्दी उठा हूँ 3:30 बजे और नीमच आ गया हूँ, उससे ये फ़ायदा हुआ कि सुबह जल्दी पहुँच गया हूँ और जल्दी यहाँ से वर्किंग करके रात में वापस यहाँ से कोई ट्रेन पकड़ लूँगा या फिर कोई बस पकड़ लूँगा सीधी इंदौर जाने की।
तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।